हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय विद्याज्ञान। और फाइनली सैनिक स्कूल का एग्जाम है, आज हो चुका है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंसर की वीडियो, ठीक है। अपने अपने उत्तर आप मिला लीजिए, मुझे अभी अभी क्वेश्चन पेपर मिला है। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर भाषा हिंदी सॉल्व करने वाले हैं। पहला हमारा क्वेश्चन था, बदमाश क्या छीन कर भागा, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, थैला छीन कर भागा था, ठीक है। दूसरा है, सोरा थैला वापस कैसे लाया, ठीक है। जो सेरा नाम का लड़का था वो थैला कैसे वापस लाया, मुंह में पकड़कर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिता ने किसके गले, पिताजी ने किसे गले लगाया, तो शेरा को, ठीक है। और ये तीसरे का तीसरा सही हो जाएगा, शेरा को। उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, राहुल के पिताजी कहाँ से वापस आ रहे थे, तो बाजार से वो वापस आ रहे थे। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है, पिताजी के साथ और पिताजी के साथ और कौन था, पिताजी के पास कौन साथ कौन था, शेरा था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा आगे पीछे हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन हम ढूंढते हैं, यहाँ पर थोड़ा नीचे करते हैं, और ये क्वेश्चन हम 6 नंबर पर क्वेश्चन पे जाते हैं, यहाँ पर नीचे करके, हाँ ये हो गया। तो यहाँ पर ये 6 क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा धुंधला दिख रहा है क्योंकि ये अभी फोटो किसी ने भेजा है, साफ से नहीं है। निम्नलिखित प्रयासों में से धर्म शब्द का उचित उपसर्ग क्या होगा, तो धर्म का जो उचित उपसर्ग है वो क्या होगा, यहाँ पर आप इसका सही उत्तर हो जाएगा अधर्म, ऑप्शन नंबर 2 वाला। नंबर 7 पे, निम्नलिखित पर्यापों में से समाप्त शब्द का विलोमार्थी पूर्णार्थ चुनिए, ठीक है। ये सही से दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर किसका किसका पूछा गया है, निम्नलिखित पर्यायों में से समाप्त शब्द का विलोमार्थी विलोमार्थी पूछा है, समाप्त का आरंभ हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यापों में से विषम शब्द चुनिए, विषम आपको ढूंढना है। तो देखो, हाथ नाक कान ये तो शरीर के अंगों के नाम है, पर ये मन थोड़ा सा अलग टाइप का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हमारा अलग हो जाएगा इसमें से। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित पर्यापों में से प्राचीन शब्द का सामान्यति क्या होगा, सामान्यति का मतलब इसका मतलब आपको पता ही है कि पर्यावाची शब्द क्या होगा, ऑलराइट। तो प्राचीन का होगा पुराना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य को उचित सर्वनाम के साथ पूर्ण कीजिए, उचित सर्वनाम के, तो यहाँ पर देखिए यह वह ये सर्वनाम शब्द होते हैं, तो यहाँ पर वह वाला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का काल पहचानिए, तो काल कौन सा है, उसने काम किया था, तो काम किया था यानी कि वो पास्ट में चला गया, यानी कि जो अभी चल रहा है वो तो वर्तमान चल रहा है, भूतकाल भविष्यकाल, तो उसने काम कब किया था, भूतकाल में किया था, ये ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, बच्चे ने गलत किया है यहाँ पर। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित पर्यायों में से नश्वर शब्द का उचित अर्थ कौन सा है, नश्वर का नास्तिक हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला सही उत्तर है। आगे बात करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, निशा भोजन करने खाली स्थान बाद सैर करने जाती है, निशा भोजन करने के, तो ऑप्शन नंबर ये वाला आ जाएगा के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यापदों में से आज्ञा शब्द का सामानार्थी कौन सा है, पर्यायवाची बताना है, आज्ञा का आदेश होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे उचित शब्द का चयन कीजिए, उचित शब्द है सामाजिक सामाजिक सामाजिक, तो इसमें से सामाजिक जो शब्द कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है कुछ सामाजिक इस तरीके से, और ये किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बच्चों आप वीडियो को लाइक कर दो, और इसका जो और भी वीडियो का सोल्यूशन आपको विद्याज्ञान पाठशाला पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे है, वहाँ पर भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आगे निम्नलिखित पर्यापों में से भीड़ शब्द का बहुवचन क्या है, तो बहुवचन पूछा गया है, भीड़ शब्द का क्या है, देखिए यहाँ पर भीड़ शब्द का कोई भी यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा कहाँ पर है, थोड़ा नीचे करते हैं, और 17वें क्वेश्चन पर हम देखेंगे कहाँ पर है। बच्चों ये जो क्वेश्चन पेपर है, जल्दी जल्दी में हम आपको आंसर की सॉल्व करवा रहे हैं, कुछ गलत भी हो सकता है, पर आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन हम करवाएंगे वो सही ही करवाएंगे, सही ही करवाएंगे, ठीक है। तो 17वां क्वेश्चन देखते हैं किधर है, यहाँ पर हम थोड़ा ऊपर करते हैं, ऊपर एक बार करते हैं, और भी हमारे चैनल पर वीडियो आने वाले हैं, डिटेल्स में आने वाले डिटेल्स में वीडियो आएंगे, बस आप सभी लोगों को वो वीडियो देखते रहना है। 17वां प्रश्न है, कह रहे हैं उचित विकल्प को रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, सुधा नौकरी डैश कहती है, ये सही से मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, करना आएगा, ठीक है, इतना तो पता है। आगे 18वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मुखावरे का उचित अर्थ बताइए, ये क्या है, ताली पीटना या फिर हाथी पीटना कुछ है, ऐसे करके है, तो ये क्या है, शोक मनाना, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। उचित विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पर है रात में डैश होता है, रात में क्या होता है, अंधेरा होता है, ऑप्शन नंबर ये वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित वाक्य का काल पहचानिए, गौरी गर्मियों की छुट्टियों में शिमला जाने वाली है, जाने वाली है यानी कि ये आगे भविष्य काल में की बात कर रही है, यानी कि वो जाएगी फ्यूचर की बात कर रही है, दूसरा वाला सही हो जाएगा। 21वां देखेंगे, निम्नलिखित पर्यापों में से जीवन शब्द का विलोमार्थी क्या है, जीवन शब्द का विलोमार्थी आपको शब्द बताना है, यानी कि उल्टा शब्द बताना है, जीवन का मृत्यु होगा, ऑप्शन नंबर ये तीसरे में दे रखा है। आगे बात करते हैं, 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से नाम पहचानी है, नाम आपको पहचानना है, वह हमेशा अपने साथ किताब रखता है, वह हमेशा अपने साथ किताब रखता है,
तो वह अपने साथ हमेशा किताब रखता है। तो इसमें से नाम शब्द क्या है, नाम आपको पता होगा, देखिए इन्होंने हिंदी में बोल दिया है, आपको पता है कि संज्ञा, संज्ञा में क्या क्या आता है, हमें ये रखता है किताब वगैरह जो भी आती चीज़ें आती हैं वो सब संज्ञा में आ जाती है। तो यहाँ पर नाम इन्होंने पूछा है नाम, तो यहाँ पर एक किताब का नाम ऑप्शन नंबर डी में हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया पहचानिए, रमेश हर दिन बगीचे में खेलता है, तो यहाँ पर खेलना जो है वो क्रिया हो रही है, खेलता है, ठीक है, यहाँ पर खेलना ये ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुकाबले का उचित अर्थ पहचानिए, आग बबूला होना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, सभी इजी इजी, पूरा पेपर इजी आया है, मैथ भी हम करेंगे सॉल्व, बस वीडियो को लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो आने वाले वीडियो देखने के लिए, जल्दी जल्दी वीडियो आने वाले हैं चैनल पर लगातार फटाफट, ठीक है। आगे बात है, निम्नलिखित मुकाबले का उचित अर्थ पहचानिए, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 26 ये हमारा यहाँ पर क्या आ चुका है, गणित आ चुका है। अब गणित का जो पार्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, बस थोड़ा देर वेट करना है, 10 मिनट के अंदर हम गणित का भी पार्ट अपलोड कर देंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है, बहुत ही जल्दी गणित का भी पार्ट आने वाला है, तब तक इसे आप जो हिंदी का मैंने आंसर की वीडियो जो 25 क्वेश्चन हिंदी के करवाएं वो अपना आंसर की मिलाइए और चेक कीजिए, मैथ का भी बहुत जल्दी आने वाला है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बहुत ही जल्दी मैथ का सॉल्यूशन वीडियो आने वाला है, थैंक यू।